Hello students, I hope you all are fit and fine. Welcome to online learning. This video belongs to your subject social science. In this video we will have a quick revision for unit number 1, resources of India. Let us start. Here is a question. What do you mean by green revolution? Green revolution kya hoti hai? So ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स द रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, ये किससे संबंधित है? हरित क्रांति, ग्रीन कलर से आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स. तो इसका संबंध इससे है कि द रैपिड इंक्रीज, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए. एज अ रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ सीड्स ऑफ हाई यील्ड वैरायटी, मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम क्या चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बढ़ जाए. किसकी हेल्प से? कि जब हम ऐसे सीड्स, ऐसे बीजों का इस्तेमाल करें जो हाई यील्ड वैरायटी के हों. मतलब कि जो सीड्स होंगे हमारे, उनकी वैरायटी कैसी होनी चाहिए? हाई यील्ड की होनी चाहिए. केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें और नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें. इट मीन्स कि आप हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहें, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स. और इस रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट रहा, जो प्रभाव रहा, वो ये था कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज दिखा गया. यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स इज इंक्रीजिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर. मतलब कि अब जो इंडियन एग्रीकल्चर है, उसका फॉर्मेट, उसका तरीका बहुत ज़्यादा बदल चुका है और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के सीड्स का यूज़ होने लगा है. इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज़ ड्यू टू द सीड्स ऑफ हाई यील्ड वैरायटी. बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है? ये ऐसे सीड्स पर कि जिनकी वैरायटी ऐसी है हाई यील्ड, मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके. इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस देखे गए और ये चेंजेस किसकी वजह से थे? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से और नई नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया. ये सब था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर. दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिलोंग्स टू योर यूनिट नंबर 1, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. हियर वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि का क्या योगदान है. सो लेट अस सी कि एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना? तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो बेसिक ऑक्यूपेशन है, वो क्या है? एग्रीकल्चर. इट इंक्लूड्स बोथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग. मतलब यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी होता है और पशुपालन भी किया जाता है. नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही क्लियर है ना? यहाँ पर हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स. प्रोविजन ऑफ फॉर पॉपुलेशन, है ना? पॉपुलेशन मतलब आपको पता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन. तो इसके लिए क्या हो रहा है? प्रोविजंस कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ नरिशिंग अबाउट 17% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. मतलब पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन को नरिश करने का काम कौन कर रहा है? इंडियन एग्रीकल्चर कर रही है. एग्रीकल्चर सपोर्ट्स अवर 2/3 पॉपुलेशन, मतलब कि 2/3 जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसको सपोर्ट करती है इंडियन एग्रीकल्चर. देन कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? अबाउट 2/3 ऑफ लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज एम्प्लॉयड इन इंडियन एग्रीकल्चर. मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का 2/3, 2/3 जो है वो एग्रीकल्चर, मतलब कृषि कार्य में संलग्न है. इनडायरेक्टली इट हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है. इन विलेजेस पीपल आर इधर एम्प्लॉयड इन हैंडीक्राफ्ट और इन कॉटेज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. आपने देखा होगा कि अधिकतर गाँव में क्या होता है, या तो हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट में लगे हुए होते हैं या फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में लगे हुए होते हैं लोग, जो किस पर डिपेंड करती है? बेसिकली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड करते हैं.
बिसाइड्स देयर आर हिडन पॉसिबिलिटीज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और इन सब के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को और ये एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रदान कर सकती है. देन बेस ऑफ इंडस्ट्रीज, आपको पता है कि जो सभी इंडस्ट्रीज होती हैं वो मेनली किस पर डिपेंड करती हैं. मेनली दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. तो देखें आप यहाँ पर, इन अवर कंट्री एग्रीकल्चर इज द बेसिस ऑफ बिग स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बिकॉज रॉ मटेरियल फॉर दीज इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेंड फ्रॉम एग्रीकल्चर. मतलब कि चाहे इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी, रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? ओनली फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सच एज कॉटन फॉर टेक्सटाइल. जैसे आप देखेंगे कि वस्त्र उद्योग में जो कपड़ा कॉटन कहाँ से मिलेगा आपको? एग्रीकल्चर से मिलेगा, है ना. जूट इंडस्ट्री से जूट मिलेगा, के लिए जूट आप कहाँ से लेंगे? एग्रीकल्चर से. शकर आपको बनानी है तो शुगर केन आप कहाँ से? खेतों से लाएंगे. ऑयल सीड्स फॉर मेनी इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेंड ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर. मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर ही सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है. इन दिस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर टू लार्ज एक्सटेंट. नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस इन एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को बाहर भेजना, मतलब एक्सपोर्टेशन होता है. तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? एग्रीकल्चर ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द फॉरन ट्रेड ऑफ इंडिया. मतलब कि बहुत सारे जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर पहुँचाए जाते हैं? फॉरन कंट्रीज में पहुँचाए जाते हैं. जैसे कि टी, ऑयल सीड्स, टोबेको, स्पीसेस, कॉफ़ी, कॉटन, जूट, पोटेटो, मॉलिसिस, ऑनियन, कॉटन क्लॉथ्स, शुगर एट्सेट्रा. जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी कहाँ से? इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. बाय एक्सपोर्टिंग दीज वी गेट प्रीशियस फॉरेन करेंसी. मतलब इससे क्या होता है कि हमारा जो विदेशी व्यापार है वो बढ़ता है. मतलब कि हम जब यहाँ से हमारी चीज़ों को बाहर की तरफ भेजते हैं तो उससे हमें फॉरेन करेंसीज, मतलब कि विदेशों की जो करेंसीज है वो हमें मिलती है. अबाउट 13.4% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. मतलब कि जितना भी पूरा विदेशी व्यापार होता है उसमें से 13.4% जो प्रोडक्ट्स सेंड होते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ फूड स्टफ. मतलब खाद्य पदार्थों की सप्लाई. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अबाउट 62.5 करोड़ पीपल विथ फूड स्टफ लाइक व्हीट, राइस, बार्ले, ग्राम, पल्सेस, मेज, ज्वार, बाजरा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अलग अलग प्रकार के स्पीसेस, मतलब मसाले. मतलब क्या हुआ कि सप्लाई ऑफ फूड स्टफ, आपको पता ही है कि भोजन के लिए भारत का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? मेनली दे प्रीफर टू द वेजिटेरियन फूड. और वेजिटेरियन फूड आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द फील्ड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. देन इन ब्रीफ यू कैन से कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन स्टोन है, है ना. मतलब कि नींव का पत्थर कह सकते हैं हम. इट्स सक्सेस और फेलियर डायरेक्टली अफेक्ट्स फूड प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इनकम, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड्स. मतलब कि अगर एग्रीकल्चर में कोई भी फेलियर्स होते हैं या फिर सक्सेस होती है, मतलब कि इसकी बेनिफिट्स या फिर लॉसेस वो डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट की इनकम को, हमारी फूड प्रॉब्लम को, हमारे इंटरनल मतलब आंतरिक और विदेशी व्यापार को, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर राष्ट्रीय आय को इफेक्ट करते हैं. इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज द सेम एज इम्पोर्टेंस ऑफ सोल इन ह्यूमन बॉडी, है ना. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में, मतलब कि मनुष्य की बॉडी में, शरीर में आत्मा सोल की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है. नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर यूनिट नंबर 4. What is this? Let's see. What are chemical disasters? Disaster मतलब क्या होते हैं? Disaster मतलब होता है आपदा, है ना. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? Chemical disasters की. मतलब कि कोई भी रासायनिक आपदा किस तरह की होगी? Chemical disaster. Like industrial and chemical disasters are man-made disasters. आपको पता होगा कि ये जो disaster होते हैं ये दो type के होते हैं, है ना. One is natural, मतलब जो प्रकृति में अगर कोई बदलाव आते हैं और वो हमें बड़े लेवल पर परेशानियां उठानी पड़ती हैं तो वो क्या होते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स. केमिकल डिजास्टर्स किसके अंदर आएगा? मैन मेड या फिर ह्यूमन डिजास्टर. मतलब कि मानव ने अपनी खुद की ग्रीड और
अपनी लालच की वजह से जो परेशानियां खड़ी करी हैं वो किस किस कैटेगरी में आएंगी, मैन मेड डिजास्टर्स की कैटेगरी में। तो ये जो केमिकल डिजास्टर है वो क्या है, एक मैन मेड डिजास्टर है। दीज कैन बी कॉज्ड अब्रप्टली विदाउट एनी वार्निंग, मतलब कि ये बिना किसी वार्निंग के कहीं भी अचानक से हो सकता है। केमिकल लीकेज कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक, टेक्नोलॉजिकल फॉलीज और नेचुरल एक्टिविटीज। मतलब क्या हो सकता है कि किसी भी तरह से ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज, फैक्ट्रीज होती हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पर अगर ह्यूमन से, वहाँ के वर्कर से किसी भी तरह की अगर छोटी भी मिस्टेक हो जाए तो वहाँ से केमिकल लीकेज हो सकता है। कोई टेक्नोलॉजी अगर फेल हो जाए, वहाँ की मशीनें अगर काम करना बंद कर दें या ख़राब हो जाए, या उनकी वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ के जो डेंजरस हैज़ार्डस केमिकल्स होते हैं वो रिलीज हो सकते हैं, वो लीकेज हो सकते हैं। इन्हीं सबको हम क्या कहेंगे, केमिकल डिजास्टर कहेंगे। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, भोपाल गैस ट्रेजडी, ठीक है। इसके बारे में आपने पहले भी नाम सुना होगा। कब हुई थी ये, 2-3 दिसंबर 1984। इट मीन्स इट वॉज द मिड नाइट ऑफ 3 दिसंबर, मतलब कि 2 और 3 दिसंबर के बीच दरमियानी रात को ये दुर्घटना हुई थी भोपाल में। इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रेजडी, है ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव विनाशक थी। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल ब्लंडर, किसकी वजह से हुआ था, ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। इन दिस ट्रेजडी हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर प्रोडक्ट्स टुगेदर विद 45 tons ऑफ मेथिल आइसोसाइनाइड, MIC, है ना, कितना, टोटल 45 tons मिथिल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो अ हाईली पॉइजनियस गैस, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ये विषैली गैस होती है, लीक्ड फ्रॉम द पेस्टिसाइड प्लांट। ये क्या था, एक पेस्टिसाइड प्लांट था, पेस्टिसाइड जो आप एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं, कीटनाशक जो एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, ठीक है, वहाँ पर 2-3 दिसंबर की मिडनाइट को मेथिल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड के जैसे अदर प्रोडक्ट्स, कितने, 45 tons ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ से लीक हो गए एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन मिक्सिंग विद एयर, है ना, ये जो गैस थी ये पूरे एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिक्स होकर फैल गई। एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इट टुक अबाउट 3600 lives एंड मैनी मोर डेवलप्ड सीवर हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब उस समय गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 3600 पीपल्स वर डेड एंड बहुत सारे ज़्यादा लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुई थी। नाउ सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या मेजर्स सेफ्टी के लिए आप क्या क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, देखें यहाँ पर कि जनरल पब्लिक शुड बी एजुकेटेड इन सिंपल लैंग्वेज एज टू हाउ हार्मफुल केमिकल्स शुड बी यूज स्टोर्ड एंड व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड। मतलब किस तरह से केमिकल्स को स्टोर करना चाहिए, किस तरह से उनको यूज़ करना चाहिए, है ना, और दूसरे सेफ्टी मेजर्स भी आम लोगों को सिंपल लैंग्वेजेस में समझाना चाहिए। ह्यूमन हैबिटेशंस शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरियाज, इन बिटवीन दिस टू एरियाज देयर शुड बी अ ग्रीन बेल्ट, है ना, मतलब कि जहाँ पर एक रहवासी इलाका है और इस तरह की इंडस्ट्रीज है वो दोनों सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग प्लेसेस पर होना चाहिए, एक दूसरे से दूर होना चाहिए और इनके बीच में एक ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ह्यूमन हैबिलिटेशन है, कोई कॉलोनी है या फिर लोग जहाँ पर रहते हैं और इंडस्ट्रीज जो सेटअप होती हैं, प्लांट्स जो सेटअप होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे प्लांट्स या ग्रीनरी होनी चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन बेल्ट कहेंगे। मॉक ड्रिल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू डेवलप द इंटेलिजेंस टू फेस सच कैलेमिटीज इफिशेंटली, है ना, मतलब क्या हुआ कि समय समय पर मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए ताकि लोगों को उसके बारे में पहले से जानकारी होगी, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो उन्हें कैसे फेस करें। स्टोरेज ऑफ पॉइजनियस केमिकल्स शुड बी डन अप टू सर्टेन लिमिट, मतलब कि जो पॉइजनियस केमिकल्स हैं, जो विषैले रसायन हैं, उनका स्टोरेज एक सर्टेन लिमिट तक ही होना चाहिए। वार्निंग सिस्टम टू फायर प्रिवेंशन शुड बी इम्प्रूव्ड, जैसे कि कहीं आग लग जाती है तो इसमें वार्निंग सिस्टम जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आने चाहिए। इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस एंड सेफ्टी लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, मतलब इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो सुरक्षा के संबंध में कानून बने हुए हैं उनको बहुत ही कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।